दो बिग स्टार्स ऐसे भी हैं जिनका सिक्का बॉलीवुड पर चलता है। इनकी फिल्मों का इंतजार दर्शक बेसब्री से करते हैं, लेकिन लगता है बीते साल से लेकर अब तक इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है। तभी तो इस साल फिल्मों के मामले में ये सितारे बेरोजगार हो गए हैं और छोटे मोटे प्रोजेक्ट करके दिल बहला रहे हैं। तो कौन है ये सितारे, आइए जानते हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, जिनका बॉक्स ऑफिस पर सिक्का चलता था, निर्माता निर्देशक इनके घरों के आगे लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते थे, दर्शक इनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे। लेकिन आज रोमांस के किंग की रोमांटिक अदाओं का जादू दर्शकों पर नहीं चल रहा है, वक्त बदल चुका है। कहने वाले तो कहने लगे हैं कि किंग खान की चमक अब कम होती जा रही है। इसके पीछे का कारण है शाहरुख खान की बैक टू बैक फिल्मों का कमजोर कलेक्शन। एक वक्त उनकी फिल्में धूम मचाती थी, लेकिन आज वो चल रही हैं, तो वो भी उम्मीद के मुताबिक बिजनेस नहीं कर पा रही हैं। और वहीं बीते साल जीरो से उन्हें ऐसा झटका लगा कि पूछिए मत। मेगा बजट फिल्म जीरो बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। उसी का नतीजा है कि आज किंग खान के पास कोई फिल्म नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, फिल्मों के मामले में किंग खान इस वक्त बेरोजगार हैं। उनके हाथ में कोई बड़ी फिल्म नहीं है। जीरो की असफलता ने उन्हें काफी दुखी कर दिया है और उसके गम में किंग खान ने ये डिसाइड किया है कि वो इस साल कोई फिल्म लेकर नहीं आएंगे। वो खुद भी ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने अब तक कोई फिल्म साइन नहीं की है, वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। वैसे ऐसी खबरें कई बार आ चुकी हैं कि शाहरुख धूम 4 या डॉन 3 में काम कर सकते हैं, लेकिन सोर्सेस की माने तो जीरो की असफलता के बाद निर्माता निर्देशक किंग खान की जगह फिल्मों में किसी नए चेहरे को कास्ट करना चाहते हैं। वो न्यू जनरेशन स्टार को धूम 4 और डॉन 3 का हिस्सा बनाना चाहते हैं। खबरें हैं कि इन दोनों फिल्मों के फिल्म मेकर्स रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, विकी कौशल या फिर कार्तिक आर्यन और वरुण धवन जैसे स्टार को कास्ट करना चाहती है, क्योंकि आज ये युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं। हालांकि शाहरुख खान इस वक्त अपने होम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। वहीं वो द लायन किंग में अपनी आवाज का जादू चलाने वाले हैं, लेकिन इस साल वो फिल्मी पर्दे पर खुद नजर नहीं आएंगे। भाई, शाहरुख खान के जैसा हाल बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का भी है। सालों साल हिट पर हिट फिल्में देने वाले आमिर खान के पास एक ही फिल्म है, वो हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की हिंदी रीमेक लाल सिंह चड्ढा पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी इस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है। वैसे तो आमिर खान साल में सिर्फ एक ही फिल्म करते हैं और उसी फिल्म से वो छा जाते हैं, लेकिन बीते साल ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के जरिए उन्होंने दर्शकों को ऐसा ठगा कि वो अब तक उससे उभर नहीं पाए हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की असफलता के बाद आमिर खान कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते और वो बड़े ही सोच विचार करने के बाद कोई काम करना चाहते हैं। मतलब इस साल आमिर फिल्मों के मामले में बेरोजगार हैं। अब शाहरुख खान और आमिर खान सिल्वर स्क्रीन पर कब तक नजर आते हैं ये जानने के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस साल तो इन दोनों की कोई फिल्में रिलीज नहीं होंगी। ये दोनों आपको 2020 के बाद ही फिल्मी पर्दे पर दिखाई देंगे, वो भी किस अंदाज में, इसके लिए करना होगा इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।